हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं सरकार घाट का हॉस्पिटल। सबसे पहले तो आज हमारी बिटिया रानी को डिस्चार्ज मिल गया है इस हॉस्पिटल से। और जो भी टाइम पीरियड यहां पर गुजरा हमारा, काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा, लेकिन अब बाणी सेफ है। लेकिन एक छोटी सी बात रह गई है, उसकी छाती में गड़गड़ सी आवाज़ आती है। तो हम एक बार फिर से स्टीम लगवाने के लिए गए हुए थे और आज मेरे को भी बुखार आ गया है। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, छाती जाम है, जुकाम हो गया है और बुखार आ गया है। तो हॉस्पिटल में गया हुआ था, मैंने भी वहाँ से दवाइयाँ वगैरह ली हैं। देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है दवाइयों से, नहीं तो कल टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा मुझे भी। सो अभी अभी मैं आया यहाँ पर, देखा मैंने कि चली हुई बच्चों की पढ़ाई। और अभी अपने ससुराल से यहाँ तक आया क्योंकि मिट्टू की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। इसको लुंदड़े हो गए हैं, लुंदड़े हो गए, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया इसको, हम बोलते हैं लोकल में लुंदड़े और चिकन पॉक्स। तो वो यानी कुछ ठीक है, नहीं अब इंप्रूव होगा। तो इसके लिए क्या दवाई होती है कुछ की? जब मुझे हुआ था ना तब भी उन्होंने यही बोला था, मैंने पूछा भी था बोला इसकी कोई रिएक्शन की भी कोई भी एक पर्टिकुलर वो नहीं है, अभी दवाई नहीं है। लेकिन हम भाई अपने मतलब जैसे हमने और भी केस देख रखे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भाई दे देते हैं। तो अगर आराम पड़ जाए तो बेटर है, नहीं तो फिर वही कोर्स चलता रहता है। फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें किस चीज से ऐसी एलर्जी है जिस वजह से ये होता है। रिएक्शन की बात जब मेरे को हुआ था तब भी यही बोला था उन्होंने। फिर भी चलो मेरे को तो आराम हो गया था, रोशन देता है ना वो, वो लगाते रहो बार बार बॉडी पे, तो उससे एक तो ठंडक भी मिलती है। जैसे ये जो हो गया था लहसुन के बाद इसको पाउडर छिड़कते हैं। हाँ, पिछले कल जैसे बाड़ी पे निकले हुए थे एड्रेस बेसिस मैंने वीडियो में डाला हुआ था, तो पहले हमने भी ये सोचा हुआ था और कमेंट भी देखे आपसे भी लोग दोस्तों के मैंने, तो मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि माता आई हुई है और चिकन पॉक्स की दवाई वो है। लेकिन वो कुछ नहीं था वैसा, नहीं वो ये चिकन पॉक्स अलग होते हैं, इतने से मतलब फ्लैप फ्लैप टाइप होगा, हां वो जैसे माता वाली फटते हैं फिर वो वाटर होता है इसके इसके, हां वो फट गए मिट्टी में, वो रिलीव हो गया। पर वो जो वाणी को बोल रहे थे ना उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, खैर उनको अब मेरे को नाम नहीं याद आएगा, टाइमर लग जाता है 2 मिनट के बाद लगाया उसमें। तो फिर यहाँ ये था उसको भी नहीं थी जहाँ तक मैं, मैंने डॉक्टर अमन से कंफर्म किया, मैंने वो खुद बोला भाई ये सर में खुद द्रासर लग रही है, तो हो रहे हैं कि द्रासर नहीं है ये इन्फेक्शन की वो है, और जैसे बैक्टीरियल वगैरह फैल रहा था उसी का ही मैंने वो फॉर्म थी। लेकिन ग्लूकोज के बाद और ग्लूकोज वाला वो था ना, जैसे ग्लूकोज चढ़ा उसको तो ग्लूकोज से नहीं हुई स्किन का भी, ग्लूकोज जो चढ़ा है वो चढ़ा है उसकी फीडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। भाड़ी को स्टीम वगैरह दिलाने के बाद टाइम हो गया था 7 बजे का। फिर मैं चला गया था अपनी बहन बंदना के घर में, वहाँ पर मिट्टू राजा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चली हुई है, उसको चिकन पॉक्स हुए हैं। तो मैंने सोचा जब यहाँ पे नज़दीक ही हूँ, मेरे ससुराल और बंदना के घर का डिस्टेंस ओनली 1 किलोमीटर का है, तो क्यों ना मिट्टू का हाल चाल भी पूछाऊँ और उनसे मिलकर भी आ जाऊँ। और यहाँ पर जब मैं ससुराल में पहुँचा 8 बजे के तकरीबन, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर आज बन रहा है मटर पनीर और साथ के साथ चावल बनाए हुए हैं, तो बासमती राइस इन्होंने बनाया हुआ है। और ओवरवाइज करते करते भी आप लोगों को खुद ही एहसास हो रहा होगा कि मेरा गला सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो दवाई वगैरह ली हुई है उसका यूज़ करूँगा आज, देखते हैं उनसे फ़र्क पड़ेगा मुझे, नहीं तो इमीडिएटली मैं भी हॉस्पिटल चला जाऊंगा, यहाँ से नज़दीक ही है। तो जो मेरा साला है बहुत ही बेहतर कुक है और कितने अच्छे ढंग से रखिए, इसका एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये अगर ये किचन में कोई भी काम करना जब स्टार्ट करता है तो पूरी लगन के साथ बनाता है
और ग्रेवी वगैरह देख के ही मैंने आइडिया लगा दिया था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा आज ये खाना। और जब मैंने खाया सच में, आप पूछिए मत कितना ज़्यादा टेस्टी बनाया हुआ था इसने। बाकी अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और ब्लॉग आप लोगों के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब क्या न्यू अपडेट है, तो मैंने आप लोगों को बताया भाणी तो अब ठीक है, बस थोड़ा सा उसकी छाती में खराश सी रह गई है, इसलिए हम गए थे उसको स्टीम लगवाने के लिए। तो एक चीज़ अब ढंग से ठीक नहीं होती और दूसरी मतलब हमारे सर के ऊपर जान बनकर कोई चीज़ पड़ जाती है। पता नहीं क्या बुरे ग्रह चले हुए हैं या किसी ने मतलब कुछ किया हुआ है। अब ऐसी बात तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये तो अंधविश्वास होता है खैर, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और बुखार हो गया है मुझे। अभी मैंने टेम्परेचर देखा तो 101 था और गले में यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब दर्द सी महसूस हो रही है, जुकाम हो गया है और सर में आधे सर में दर्द सी महसूस हो रही है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। और एक और बात, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, जो हमने अभी तक अपनी बिटिया रानी बाणी की जन्म पत्रिका नहीं बनाई हुई है, लेकिन उसका जो टाइम है जन्म और प्लेस वगैरह वो हमारे पास एग्जैक्ट था, तो हमने यहाँ पर दिखाया एक पंडित जी को, तो गढ़वाली पंडित जी हैं, तो उनको दिखाया हमने, तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी को ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, और एक तो शनि का ग्रह चला हुआ है और साथ में सूरज देवता का कुछ ग्रह है, तो उसके लिए जो भी उन्होंने हमारे को प्रिकॉशन बरतने के लिए बोला हुआ है, एक तो तोला करवाएंगे हम शनिवार के दिन बाणी का, और जो जो भी वो जैसे बताएंगे कुछ मंत्र वगैरह का जाप होगा वो करना पड़ेगा। तो मैं देखिए मेरी तो बेटी है, मैं दोनों साइड से अच्छे ढंग से उसका करवाना चाहता हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने ले लिया है, अब जो तोला वगैरह है सैटरडे के दिन मैं करवाऊँगा उसका। बाकी अब ब्लॉग मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं डालना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज के ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करने वाला हूँ और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ब्लॉग अपलोड हो जाए, तो एक थोड़ा सा अपडेटेड सा वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा आज का, बाकी उतना खास नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा सभी। अभी वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो अपनी बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा, पानी को उबाल कर उसके बाद जब पानी ठंडा हो तभी यूज़ करें उसका। तो बाय बाय, टेक केयर। Strong and fake a smile until